का कोई फोर्स नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी चीज के बारे में आगे ध्यान देने के लिए और नहीं देने के लिए। 20 मिनट, 15 मिनट हमारी, हाँ 1 मिनट, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, फिर आप ही की सुनूंगा। हमारी बात कंप्लीट होने के बाद में उस बात को अपने दिमाग में रखना और फोन को डटते ही, डिस्कनेक्ट होते ही उसे डिलीट करना, यह आपका अधिकार है। ठीक है, ठीक है। हमारा केवल प्रेजेंटेशन का अधिकार है, केवल दिखाने का, प्रेजेंट करने का। अब बोलिए सर, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मैं क्या है सर कि लोग मेरे से काफी जुड़े हैं, ठीक है, बहुत पहली बढ़िया। बात। दूसरी बात तो ये है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को गाइडेंस करता हूँ। बहुत लोग मेरी गाइडेंस से कामयाब भी हुए, काफी पॉलिटिक्स में, डॉक्टर भी क्या बात है सर, बहुत आपके बढ़िया, जयपुर बहुत में, बढ़िया। और अभी मेरी बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं नरोत्तम जी मिश्रा, उनके पीओ से चल रही थी। तो कहने का तात्पर्य है, मेरा जो फेस रीडिंग में जो प्रभाव है इंडिया में, वो सत्यता के लेवल पे है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये होगा ये होगा, मैं कहता हूँ ये होकर के ही रहेगा, होगा नहीं। क्या क्या बात है, हाँ, क्योंकि बहुत डूब बेहतर, के रिसर्च किया है, बहुत डूब के 22 वर्षों तक, मतलब बहुत 42 साल की मेरी उम्र है, 22 साल मैंने लगा दिए फेस रीडिंग में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर। हाँ, तो मैं, पहला प्रश्न मेरा ये है सबसे बड़ा, कि जो हम ये बिजनेस करते हैं, जैसे इन्होंने बताया था गुड़िया जी ने, क्योंकि ठीक मेरा ये बुरा न माने, क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया है उसमें मैं आज तक, चाहे वो हमारी मैडम वसुंधरा जी भी हैं, तो मैं उनको गुड़िया जी संबोधन करता हूँ, बहुत क्योंकि बढ़िया, हमने बहुत ही जो प्यारा, डिग्री बहुत की, ही तो प्यारा सब। हाँ, तो हमने डिग्री ली ना, तो उसमें संकल्प लिया था कि मैं नारी को गुड़िया जी के नाम से संबोधन दूंगा, ताकि मेरे बहुत अंदर किसी बढ़िया। प्रकार का भाव न आए। तो साहब मैं आपसे एक तो शब्द कहना चाहूंगा, ये जो सेम संबोधन है ना, वो सेम संबोधन मेरा है, बस मेरी थोड़ी उम्र कम है, जिसकी वजह से मैं, कई मेरे से सीनियर्स होते हैं उनको गुड़िया नहीं कह पाता, लेकिन जो मेरी उम्र के तकाजे और मेरी उम्र से कम है उन सबको गुड़िया के नाम से, और जो मेरी जस्ट एज में है या ऐसे बड़े, उन्हें मैं बहना के नाम से संबोधित करता हूँ। बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरा ये सर कि ये जो बिजनेस है, ये इसकी एक तो प्रारंभिक जानकारी कि भाई कौन सी कंपनी का है, किसके, इसको करने से क्या बेनिफिट है, किस आधार पे इसको किया जा सकता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हो कि भाई इस देश का है या रजिस्टर्ड है, को इतने देशों में चल रहा है, या इसके बारे में इन इन चीजों में ये हमें लागू हुआ है। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक शॉर्ट ओके, दो तीन लाइनों में इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय भी थोड़ा होता है, पता यदि है मैं पता इससे है, जुड़ रहा हूं तो मैं प्रत्येक बात को दो लाइनों में वॉइस स्पष्ट करता हूँ बिल्कुल, सामने वाले में, ताकि प्रभाव छूटे। तो आप भी मुझे दो तीन लाइनों में इसका वो उत्तर दीजिए, जिससे मेरे दिमाग में भी बैठे और मैं जब इस पे विचार करूं तो मुझे इसका प्रतिफल मिले। ओके। सबसे पहली लाइन, जैसा कि आपने सवाल किया, ये कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई मालिकाना अधिकार नहीं रखता, इसके अलावा ना कोई ऑफिस है, ना कोई ब्रांच, ना सामान खरीदना है, ना बेचना है, ना ही कोई लेग मेंटेन करना है, ना ही प्रोडक्ट में जो पॉइंट वैल्यू होता है, बिजनेस वॉल्यूम होता है, ना ही ऐसा कोई सिस्टम है। ये केवल और केवल एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन वर्क करता है, और वो वर्किंग प्लेटफॉर्म दो चीजों पर महत्वपूर्ण तरीके से टिका हुआ है। उससे पहले इसे क्रिएट करने वाले लोग कौन थे, वो लोग बिल गेट्स के यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर पोस्ट पे काम करने वाले 12 बड़े लोग, जिन्होंने एक इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी लेवल और अच्छा रैंक ले रखा था, उन लोगों ने क्रिएट किया इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उन लोगों ने जब इसे क्रिएट किया तो उससे पहले मिडिल क्लास फैमिली को, जो बहुत से लोग बेवकूफ बनाते हैं एक प्रकार से सट्टे बाजार के रूप में या फिर लॉटरी के रूप में, कि सर 10,000 जमा कराओ 50,000 मिल जाएगा, लाख जमा कराओ 2 लाख मिल जाएगा, और फिर पता चलता है 3 महीने बाद में उसका नामो निशान नहीं है। ठीक तो उन लोगों से तंग आकर
उन लोगों ने इस वर्किंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, ठीक है, और इसे दो रूपों में डाला गया। सबसे पहला रूप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन, हम लोग सिर्फ इस चेन शब्द को सुनते हैं ना तो लगता है कोई श्रृंखला को मेंबर बनाने वाला ऐसा सिस्टम है, राइट। लेकिन मेरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा, जैसे होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसमें टाटा भी है, इसके अलावा रिलायंस भी है, इसके अलावा बाथरूम महिंद्रा भी है, इसके अलावा मतलब मारुति भी है, मतलब ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सी कंपनियां काम कर रही है, बहुत सी कंपनियां, ठीक है। तो ऐसे ही जो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक इंडस्ट्री है, उसमें से बहुत से लोग अलग अलग फील्ड के लोग इस ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लोग जो काम करते हैं उनमें एग्रीकल्चर फील्ड भी है, इसके अलावा जितने थाना फौजदारी है वो इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेडिकल लाइन के हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं, मेडिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा बात करूं तो रेलवे पूरा डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें ये रन कर रहे हैं। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिस पर किसी व्यक्ति ने कोई डेटा अपडेट कर दिया, चढ़ा दिया, ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर आपने तो चढ़ाया अपने राज्य से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, अपने मोबाइल में, लेकिन एक सेकंड के अंदर पूरे विश्व के जितने भी डिवाइस है, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, एक सेकंड में सब में पहुंच जाएगा वो। यदि आपने किसी चीज को डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो वो एक सेकंड में पूरे विश्व में पहुंच जाएगा, मेरी बात समझ गई, ठीक है, उस ब्लॉकचेन के माध्यम से। अब आपका फोन खो गया, गिर गया, फॉर्मेट हो गया, कुछ चुरा ले गया, आपके पास दस्तावेज रहे क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके पर्सनल हो, आधार कार्ड हो, आपकी मार्कशीट हो, और भी कोई चीज हो, कोई राशन कार्ड वगैरह हो, कोई लाइसेंस हो, कोई प्लॉट के कागज वगैरह हो, उस पर अपडेट कर रखा है आपने, इसके अलावा आपके पास कहीं नहीं है, आपका वो फोन ही खो गया, स्थितियां होती है ना सर, या पूरा फोन ही रिसेट हो गया, फॉर्मेट हो गया, होती है ऐसी स्थितियां। ऐसे समय में विश्व के किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर से, किसी भी व्यक्ति के एंड्रॉइड फोन से वापस से आप वो दस्तावेज कलेक्ट कर सकते हो। भारत की आबादी 125 करोड़ या 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ में से किसी का भी एक का फोन लो और अपने वो दस्तावेज वापस से कलेक्ट कर लो, केवल आपके पास में पासवर्ड होना चाहिए आपका खुद का, ठीक है, क्लियर। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा सिस्टम है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। आज से पहले जितनी भी मार्केट में कंपनियां लॉन्च होती है, फ्रॉड करती है, उसको चलाने वाला पर्टिकुलर कोई ना कोई एक व्यक्ति भी शेष होता है, कि नहीं होता, रॉकेट जो ये चलाते हैं, फ्रॉड करते हैं या फिर मतलब हैक करते हैं, ऐसा जो सिस्टम करते हैं वो कोई ना कोई हैकर लोग होते हैं। ये एक सिस्टम और एक नेटवर्क बनाते हैं कि नहीं बनाते, कोई ना कोई मालिकाना होता है कि नहीं होता, उनपे अधिकार, कोई भी कंपनी है उसका मालिक भी होता है, एमडी भी होता है, सीएमडी भी होता है, ऑफिस भी होता है, ब्रांच भी होती है, प्रोडक्ट भी होता है, मार्केटिंग भी होती है, ये सब कुछ पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष मालिक के ऊपर रिमोट है। वो जैसा नचाएगा वैसे दुनिया नाचेगी। आज वो दे रहा है, उसी कमीशन दे रहा है महीने का वर्किंग करने का, 1,00,000 रुपए का टर्नओवर किया तो 5,000 कमीशन दे रहा है, वो 2,000 देगा, ये डिसाइड कौन करेगा, वो मालिक करेगा, राइट, क्योंकि उसके हाथ में रिमोट है, ठीक है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल दू, बुरा मत मानिएगा, किसी भी पार्टी का कोई मेन नेता है, वो अपना कम्युनिटी के लोगों से डिस्कशन करेगा और कोई भी नई लीड निकालेगा, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में रिमोट है, कमिटी के कुछ सदस्यों के हाथ में प्लस उस मेन व्यक्ति के हाथ में, राइट, और वो सहमति से मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ वो टोटली 100% डिसेंट्रलाइज, जिस पर किसी मानव जाति का कोई कंट्रोल ही नहीं, कंट्रोल, राइट। एक तो होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज जो देखा जहां पे चिट फंड होता है, और डिसेंट्रलाइज जहां पे एक बार आपने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता, वो सिस्टम पर्टिकुलर वैसे ही चलेगा, और ये टोटली वर्किंग प्लेटफॉर्म है, आम जनता ही वर्किंग करने वाली है, आम जनता ही प्रॉफिट लेने वाली है, किसी व्यक्ति विशेष का पर्टिकुलर अकाउंट नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फोर्सेज, ठीक है। अब फोर्सेज में काम कैसे होगा, इनकम कैसे आएगी, क्रिएटर 12 अलग अलग कंट्रियों से हैं, वो 12 लोग, कोई फ्रांस से है, कोई जापान से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई कहां से, कोई कहां से, तो उनमें से 4 से 5 लोगों के नाम मुझे याद है, बाकी के आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्लियर सर,
जैसे नोला फरारी है, एडी है, एडिसन है, और इसके अलावा मिस्टर लाडो है, ऐसे 12 बड़े क्रिएटर लोग हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इजाद किया है। आज के दिन यदि उन लोगों के मन में स्वार्थ भी जगे, उन 12 लोगों के, तो इस सॉफ्टवेयर का वो बाल जितना सा भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब उनके हाथ में कोई रिमोट रहा ही नहीं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को चढ़ाने से पहले उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। ओके सर, इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया जाता है, मिनिमम ज्वाइनिंग है इसकी, एंट्री फीस है 1300 रूपए, और मैक्सिमम है 64 लाख रूपए। लेकिन इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है इस कॉन्सेप्ट की कि 1300 रूपए से ज्वाइनिंग करे कोई चाहे 64 लाख से ज्वाइनिंग करे, काम तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि साहब बैठे बैठे आपको 2x, 3x, 6x, 8x, 10x नहीं मिलेगा, 1 रुपए ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम चाहे थड़ी खोले चाहे शोरूम खोले, ओपन तो हमें 30 दिन उसे करना ही पड़ेगा वर्कशॉप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकम जनरेट होगा अन्यथा नहीं आएगा। दूसरा सवाल कि सर यहाँ पे जो भी हमारी लेन देन होगी वो इंडियन करेंसी में नहीं होगी, बीयूएसडी वॉलेट में होगी। बीयूएसडी जो होता है वो एक करेंसी है जिसकी इंडियन प्राइस की बात करूँ तो लगभग 88 से लेके 90 रुपीज तक है। 1 BUSD इक्वल टू 88 रुपीज। क्लियर, ये एक स्टेबल कॉइन है, ये चीज भी जानना जरूरी है। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल कॉइन। अनस्टेबल कॉइन पे सारा दुनिया बाजार सट्टा लगा रही है, जिससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है। लोग बैंकों से लोन उठाते हैं, सट्टाबाजी लगाते हैं। वो अनस्टेबल कॉइन की कहानी क्या रहती है, आज चल रही है 20 रुपए, कल हो जाएगा वो 40 रुपए, पहले रोज को हो जाएगा वो 90 रुपए, और उससे नेक्स्ट डे आ जाएगा वो 3 रुपए पे। ये होता है अनस्टेबल कॉइन, जिसका कोई कुछ नहीं पता होता और लोग सट्टेबाजारी खेलते हैं उससे। और ये जो मैं बता रहा हूँ बीयूएसडी, ये स्टेबल कॉइन है जिसकी प्राइस 88 रुपए, 89 रुपए या 90 रुपए रहती है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इस बिजनेस में पिछले 3 महीने और लगभग 13 दिन से 18 दिन से हूँ। ठीक है सर, 1-2 रुपए ऊपर नीचे बढ़ते हुए देखा, इसके अलावा मैंने कभी स्पॉन्सरली ग्रोथ या डाउन में आते हुए नहीं देखा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, इस बिजनेस में जब पंकज जी सर 1300 रुपए से ज्वाइनिंग हो जाती है, तो फिर ये 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1000, 2000, 10000, 5000 ये लगाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? मन में ये भी सवाल आता है, जब रिस्क ही क्यों लेगा इंसान, कम से भी तो कमा सकता है। तो यहाँ पे जानने की जरूरत है कि यहाँ पे आप जो ज्वाइनिंग करते हो सिर्फ उसी प्राइस की आईडी एक्टिवेट करा सकते हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की। जैसे आपने 1300 से ज्वाइनिंग करी तो आपको 2300 रुपए से ज्वाइनिंग कराने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ वहाँ पे कोई फंड इकट्ठा नहीं होना है किसी कंपनी में कि आप जैसे उतनी मर्जी से लगा सकते हो, आपकी चाहे भले ही छोटी आईडी हो। आपने जितने से रजिस्टर्ड किया उससे नीचे तक का आईडी रजिस्टर्ड करने का आपको अधिकार है। यदि आपके पास में 2-व्हीलर का लाइसेंस है तो केवल सिटी में आप 2-व्हीलर यूज कर सकते हैं, 4-व्हीलर करेंगे तो चालान कट जाएगा, राइट? तो यहाँ पे चालान क्या है, यहाँ पे सर श्रीमान चालान क्या है, यहाँ पे चालान है कि उसका बड़ा इंसेंटिव आपको नहीं आने वाला, वो आपके सीनियर को चला जाएगा जिसकी बड़ी आईडी है, राइट? अब बात करना चाहूंगा, आपने एक सवाल और पूछा था सर बीच में, वो याद आ गया मुझे, अच्छा लगे सर। ये बिजनेस कौन कौन से कंट्री में चलता है, राइट? बीच में पूछा था आपने, ये कोई एक जगह का एक स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट होता तो राजस्थान लेवल पे चल जाता, यूपी लेवल पे चल जाता, या फिर और कहीं से चल जाता, ना ही ये कंट्री लेवल का, ये वर्ल्ड वाइड है। जिस भी देश में आपके परिचित लोग हैं उस देश में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। क्लियर, जहां जहां कंप्यूटर है, एंड्रॉइड फोन है, जहां जहां पर गूगल है, क्रोम है, वहां वहां इस बिजनेस को आप रन करा सकते हो। क्लियर सर? ठीक है, ओके। इसके अलावा बात करना चाहूंगा, जैसे एक बीएसडी बराबर 90 रुपए होता है, तो सोच के देख लीजिएगा कि जैसे 12-1300 रुपए में 15 BUSD हो गया, डॉलर हो गया, इसके अलावा 2300 रुपए में 25 डॉलर हो गया, 4000 में हो गया 45 डॉलर, 10000 में हो गया 120 डॉलर। तो दोनों राशि सेम है सर, मैं 1 डॉलर बोलूं चाहे 90 रुपए 88 रुपए बोलूं, सेम राशि। ओके, तो मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में आपने यहाँ से 10,800 रुपए से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया, ये 10,800 रुपए में आपको 120 BUSD मिला। आपको किसी को पैसा नहीं देना है। यदि आप बाइनेंस का अच्छा अनुभव रखते हो, वजर एक्स का अच्छा अनुभव रखते हैं, या विश्व में जितनी भी मुद्राएं, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं,
उनका एक्सचेंजर है बाइनेंस वगैरह जो पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, वहां से आप उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे कोई पाकिस्तान का बंदा है, वहां की मुद्रा को आप बीएसडी में बदल लो। कोई अमेरिका का है, यूएसडी चलता है, डॉलर चलता है, तो उसको बीएसडी में बदल लो। कोई इंडोनेशिया में कोई और चलता है, दुबई में द्राम चलता है, सबका अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, उसे बीएसडी में कन्वर्ट कर लो। बीएसडी में कन्वर्ट करोगे तो वहां बाइनेंस में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद में आपको दो ऐप डाउनलोड करने हैं प्ले स्टोर से, पहला ट्रस्ट वॉलेट और दूसरा जूम। जूम आप ऑलरेडी राजनीति फील्ड में हो तो जूम का एक अच्छा अनुभव है, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, राइट सर। और कई बार लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे ऑनलाइन क्लासे लेते थे, वो जूम सिस्टम है, ठीक है। दूसरा जो है वो है अपना फोन पे, पेटीएम, गूगल पे की तरह ही एक वॉलेट है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, क्लियर सर। वो ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे केवल वही ऐप मिलेगा जिसे इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देगी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बंद कर दिया कुछ सालों पहले, आज वो प्ले स्टोर पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ट्रस्ट वॉलेट एक ऑथेंटिक ऐप है, जेन्युइन ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर से मिलने वाला है। वहां से आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में आपने जो बीएसडी परचेज किया था वो उसे ट्रस्ट वॉलेट में डाल लिया। ट्रस्ट वॉलेट से ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, क्लियर सर। यदि आपको बाइनेंस का अनुभव नहीं है तो आप भरोसा कर सकती है बहना के ऊपर, भरोसा कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। और जैसे ही आप क्या करते हो, ये अमाउंट 10,800 रुपए मंजू मैम को दिया या फिर मुझे दिया, दोनों में से किसी को भी दिया, तो जस्ट 2 या 3 मिनट के अंदर हम लोग भी बाइनेंस से परचेज करेंगे, आप ही के ट्रस्ट वॉलेट में डाल देंगे। जो आपको सुविधा लगे वो काम करे, किसी पे बिलीव नहीं हो तो आप खुद परचेज करो बाइनेंस पे इंटरनेट के माध्यम से, और यदि ट्रस्ट है तो बहना को दे सकते हैं, क्लियर। अब आपने वहां से आईडी एक्टिवेट कर ली तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमारा कमीशन। तो जैसे ही आप बहना के माध्यम से रेफर हुए हो, तो बहना के माध्यम से आप रेफर हुए, आपकी ज्वाइनिंग हुई 120 बीएसडी, तो सर उसमें से 80 बीएसडी आएगा डायरेक्टली मंजू जी उपाध्याय जी को, सॉरी नविता मैम को। नविता मैम को कितना आएगा? 80 बीएसडी आपकी ज्वाइनिंग में से। अब कितना बचा सर शेष राशि? 34। नहीं सर 34 नहीं, 120 है। 120 में से 80 बीएसडी, 120 में से 80 बीएसडी नविता जी को गए तो कितना बचा अभी फोर सेल के पास आपका बीएसडी? 40 बचा, 40 बचा। 40 में से 20 बीएसडी जाएगा इनके सीनियर को, अच्छा, जिसको ये खबर भी नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा। बचे हुए 20 बीएसडी भी उनके सीनियर को या फिर उनके डाउनलाइन में किसी न किसी को जाएंगे, मतलब आपके द्वारा ज्वाइन किए हुए 120 का 120 बीएसडी आम जनता में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनको वर्किंग करने का मिलेगा। एक सिंगल बीएसडी भी किसी फोर्सेज के अकाउंट में, किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट में या कोई मालिकाना अधिकार रखता ही नहीं है, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर, जब फोर्सेज के अकाउंट में एक सिंगल बीएसडी नहीं गया, एक रुपया तक नहीं गया, तो किसका क्या लेकर बगेगा? क्लियर। सबसे पहला पॉइंट लोगों के साथ में होता है बग गई, तो बगता वो है जहां पे पैसा होल्ड होता है या फिर गल्ले में इकट्ठा होता है पैसा, वो बगता है क्योंकि उसके पास में अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया, अब उसे निकलने की जरूरत है। लेकिन जिसके फंड में एक डॉलर तक नहीं गया वो किसका क्या लेकर बगेगा? और सर ये जो पेमेंट है वो कितनी सेकेंड में ट्रांसफर होगा सब लोगों के पास? 1 सेकेंड के अंदर। फोर्स आज को चलते हुए 2019-20 से चल रही है, 3-4 साल में 28 लाख लोग जुड़ चुके हैं। मेरे जैसे लखपति की बात करूं तो मैं पिछले 3.75 महीने से हूं, 3,15,000 की मेरी अर्निंग है 3 महीने की इनकम। सर ठीक ठाक इनकम है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मेरे जैसे लखपतियों की तो फोर्सेज में खेती होती है, लगभग करीबन 18 लाख लोग लखपति है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो सर फोर्सेज में 28 लाख लोगों में लगभग 8 लाख लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितने सर? 8 लाख लोग। अब बात करूं मैं अपने कोड के नीचे की, मुझे नहीं पता दुनिया में कौन कौन कहां कहां लग रहा है, सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। मैं इस बिजनेस में 3.25 महीने से हूं, 3.25 महीने में मैंने 375 लोगों की टीम बनाई है। 75-80 लोगों में से 58 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से है, कोई रेलवे से है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है,
कोई व्यक्ति थाने में है, कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर फील्ड से है, कोई किससे, कोई किससे, कोई किससे। उन सभी 58 लोगों के आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं और ऑडियो कॉल नहीं, डायरेक्ट वीडियो कॉल करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं कि ये बंदा इस डिपार्टमेंट का है या नहीं। क्योंकि बैकग्राउंड तो आएगा, कोई व्यक्ति थाने में है तो आएगा बैकग्राउंड। क्लियर सर? ठीक है, अब बात करना चाहूंगा, आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू कर दिया, अब आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा? चलो आपकी एंट्री भी हो गई, आपका बीओडी लोगों में डिवाइड भी हो गया, अब यहाँ पे काम क्या करना है? तो तीन काम है सर यहाँ पे। सबसे पहला काम कि आपको अपने सीनियर अपलाइन के टच में रहना है, गुड़िया के टच में रहना है। टच में रहने का मतलब कि आपको दिन में एक या दो बार इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिस्कशन करना है। वो डिस्कशन आप दिन में कब फ्री रहते हो तब करनी है, और 2 मिनट से 6 मिनट के बीच की बात होनी है। क्लियर? क्योंकि इस दुनिया में बिना नॉलेज के किसी व्यापार, किसी बिजनेस को और राजनीति को नहीं किया जा सकता, किसी भी संस्था को भी नहीं चलाया जा सकता बिना नॉलेज के। राइट सर? दूसरा काम आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, जैसा कि ये कर रहे हैं नविता जी। क्लियर? तीसरा काम आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर जूम मीटिंग्स होती है मॉर्निंग में 7:55, इवनिंग में 7:55 और नाइट में 9:15 पे। ये सारे सेशन 30 मिनट से 45 मिनट के बीच के होते हैं, जहाँ पे आपको नॉलेज दिया जाता है कहाँ कहाँ से लोग काम कर रहे हैं, किस किस फील्ड के लोग यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, काम करने का तरीका क्या है, आपके साथ फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग यदि बिलीव नहीं कर रहे तो आपको बिलीव दिलाने के लिए क्या क्या एविडेंस देने होंगे, ये सब कुछ पर्टिकुलर वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद में जो सबसे मेन चीज, दुनिया में सर पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, बहुत से ऑप्शन है पैसे कमाने के, लेकिन आप जिस फील्ड में हो ना उसमें पहचान की जरूरत है। राइट? और आपका नेटवर्क किस तरीके से बढ़ने वाला है, नई पहचान किस तरीके से बनने वाली है, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आप जब इस चीज से, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ते हो तो हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क आपके साथ ही होता है, और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रहता है वो, ठीक है, अलग अलग कंट्री से रहता है। आज मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में करीबन 20 स्टेट के लोग आपको जानते हैं, 10 स्टेट के लोग आपको जानते हैं, अच्छे से वाकिफ है, लेकिन इसके माध्यम से आपको बहुत से लोग और ज्यादा जानने लगेंगे। जब मीटिंग में हजार लोगों के बीच में जब आपका अनाउंसमेंट होगा कि सर आए, ये इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपको हजारों लोगों को लीड करने का, उन्हें नॉलेज देने का और उन्हें बूम कराने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, मीटिंग में आपको स्टेज मिलेगा। वो सबसे बड़ी चीज थी मान सम्मान। पैसा मैं अपने फील्ड से भी कमा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक चीज थी कि होप, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, कल्चर, वैल्यूज, ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ से अलग से मिलने वाली है। अच्छा, अब बात करना चाहूंगा, कोई राहुल नाम का या उदय नाम का व्यक्ति आपके साथ में एसोसिएट होता है, तो सर सबसे पहली बात, आपने तो 10,800 से शुरू कर दिया, राहुल की परिस्थितियां कमजोर है, घर परिवार ठीक नहीं है, परिवार का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, तो जरूरी है कि वो 10,800 से आएगा? वो बंदा 1300 से भी ज्वाइनिंग कर सकता है, 2300 से भी कर सकता है, 4000 से भी कर सकता है, 5500 से भी कर सकता है, 8000 से भी कर सकता है, या आपके समान अनुपात की राशि से भी कर सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कितने से भी कर सकता है, एकदम स्वतंत्र है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में उसने 4000 रूपए से स्टार्ट किया इस बिजनेस को, तो 4000 की आईडी रजिस्टर्ड होते ही $45 से राहुल नाम के लड़के की आईडी रजिस्टर्ड हुई, जस्ट 1 सेकंड में आपको 35 USD आएगा। 35 USD की बात करूं तो इंडियन करेंसी में 3150 रुपए आएगा, 3150 रुपए जस्ट 1 सेकंड में आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। 45 में से बच गए 10, 3500 से गए आपको आ गया, 10 में से 5 जाएगा बहना को, नविता जी को, और 5 बचा हुआ सीनियर में, डाउनलाइन में, अपलाइन में किसी को भी डिवाइड हो जाएगा। जहां मैं कह रहा हूँ कि डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉसलाइन में कहीं भी जाएगा तो उधर वो लोग वर्किंग करेंगे तो अपनी तरफ भी आने वाला है। दूसरा बात कि यहाँ पे जैसे ही आपने दूसरी आईडी रजिस्टर्ड करी तो आपको भी मिला और बहना को भी मिला, जैसे ही आप तीसरी आईडी रजिस्टर्ड करते हो तो तीसरी आईडी का अमाउंट आपको नहीं आता। इस बिजनेस में ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन था जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया अपने प्रोफेशनों को करते हुए। हर तीसरी आईडी, छठी आईडी, नवी आईडी, 12वीं आईडी, 15वीं आईडी रिसाइकिल मारेगी और उसका हर बार अमाउंट जाएगा बहना को, नविता मैम को जाएगा। हर थर्ड आईडी, पहली दूसरी का आपको आएगा, तीसरी का नविता मैम को जाएगा, चौथी पांचवी का आपको आएगा, छठी का नविता मैम को जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों से टूर पे निकला हुआ था मनाली के,
22 तारीख को निकला और लगभग 29 तारीख को वापस लौटा। इन पिछले 6 दिनों में मैंने एक दिन फोरसाथ का ना प्लान प्रेजेंट किया ना अपनी उपस्थिति दर्शाई, लेकिन उन 6 दिनों में मेरी इनकम थी लगभग 78,000 रुपए, केवल मात्र 6 दिन की इनकम, क्योंकि मैं वहां पे उपस्थित नहीं था, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही थी और उनकी कहीं ना कहीं रिसाइकिल मर के और मुझे इनकम जनरेट हो रहा था। यहां तक समझ में आया सर? सर ये तो हुआ मेरा प्लान का पूरा प्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं मौखिक रूप से। ये मौखिक रूप इंसान 1 करोड़ भी बोल सकता है, 10 करोड़ भी बोल सकता है, सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, राइट? क्योंकि मुंह से तो कुछ भी बोला जा सकता है। अब आने वाली केवल सिर्फ लास्ट 2 मिनट आपकी ओर लूंगा, जहां पे प्रमाण की बात होगी और वो साक्षात होगी। अच्छा, आप गूगल या क्रोम कोई सा भी एक ऐप खोल लीजिए इंटरनेट वाला, और जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ उस वेबसाइट को वहां पे डाल के नविता बहन जी मेरी आईडी वहां पे एंटर करिए और प्रैक्टिकली वहां से देखिए कि कितना बीएसडी यहाँ से जनरेट किया है, क्या टीम है, कितने तारीख की जर्नी है, ये सब कुछ खुली किताब के रूप में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच में रियलिटी क्या है। तो आप गूगल या क्रोम जो भी आप यूज में लेते हैं उसे एक बार ओपन करिए। चालू फोन वो मैं कर लूंगा पंकज जी। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 3-4 मई को जयपुर आ रहा, ठीक है ना? ओके। तो मैंने ये चीज आपकी सुनी है। मेरी एक आदत है कि मैं हूँ फेस रीडर, ठीक है ना? ओके। मैं जयपुर आऊंगा तब 2 तारीख को या 3 तारीख को जैसे शाम को समय मिलता है तो आपसे मिलूंगा। ओके। और मैं किसी भी कार्य को करता हूँ तो जब तक मैं फेस को नहीं देख लेता बहुत तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। अति उत्तम। मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मेरा एक कारण है। मैंने आपकी ये चीजें तो सारी सुन ली जो मेरे समझ में आई है। ओके। मैं तो आपके सामने बैठ करके आपके मोबाइल में ही देखूंगा कि ये क्या प्रतिक्रिया है और उसको कागज पे नोट करवाऊंगा, और उसको जिस प्रकार से कहा जाता ना, ज्ञान वही स्थाई है जो प्रत्यक्ष और सामने बैठ करके लिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100%। हाँ, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये जो आपने समझाया है कि मोटा मोटा मेरे समझ में आया है, लेकिन पूर्णता संतुष्टि मुझे तब मिलेगी जब मैं जयपुर होऊंगा और आपके सामने कि सर ये ऐसे हो रहा है, ये चीज ऐसे होती है, ये नोट करके ये चीजें ऐसे हैं, ये है, ये इस प्रकार से किया जाता है, ये डाउनलोड किया जाता है, ये प्रक्रियाएं ऐसे हैं, जब आपसे समझूंगा तो 100% उसकी संतुष्टि तभी मिल पाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हमें भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, और दूसरी बात हमारा काम है केवल प्रेजेंट करना, सामने वाले को संतुष्ट करना, उसके बाद भी वो इंटरेस्टेड हो तो करना है, वरना नहीं करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ये बढ़िया बात आई ना आपकी, इसीलिए तो मैं मतलब इस चीज को मैंने गौर से सुना है, गौर से उसको जाना है, मैं इस पे मंथन करूंगा। तो अच्छा सर, एक चीज कहना चाहूंगा, आज हो रही है 15 अप्रैल, राइट? और आपको आने में चाहिए कम से कम 15 से 18 दिन, राइट? नो प्रॉब्लम, आप जब भी आए मोस्ट वेलकम है, गुलाबी नगरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा, केवल आपको 2 काम करने, जिसमें से पहला काम आज मेरी और नविता मैम की आईडी वहां पे आपको अपने ही फोन में ओपन करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है, केवल स्क्रीनशॉट। और जब आप 3 तारीख को वापस लौटे तो वहां पे दोबारा उसी चीज को देखना है, अपने स्क्रीनशॉट को भी और उन 15 दिनों में होने वाले अचीवमेंट को भी देखना है, दोनों चीजों को देखना है ताकि क्या बदलाव हुआ। तो सिर्फ 1 मिनट लगेगी, आप गूगल या क्रोम खोल लीजिए। अच्छा, ये ऑथेंटिक ऐप है, और गूगल पे कोई वेबसाइट खोलोगे तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं जाएगी, कहीं ऐसा लगे भाई अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, ये मैंने, हाँ जी, वहाँ पे आपको एक वेबसाइट लगानी है, इसकी वेबसाइट का नाम है busd.forse.io। अब धीरे धीरे बोल रहा हूँ, busd, एक मिनट, BUSD, हाँ BUSD, ठीक है, forget.io, हाँ, इसको दबाइए। अब ऊपर वाला जो मेन पेज है ना, मेन लाइन है ना, जहाँ पे चीटियां जितने छोटे छोटे अक्षर है पहली लाइन में ऊपर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर गेस, नहीं नहीं, हाँ पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, राइट, पहली पे BUSD फॉर गेस आईओ, हाँ इसको पहले वाली लाइन TPS, ये यस यस, इसको जब क्लिक करेंगे ऊपर तो मेन पेज फोर्सेस का खुलेगा, जहाँ पे ऊपर कनेक्ट नाउ लिखा हुआ होगा, नीचे अकाउंट प्रिवेसी लिखा हुआ होगा, और उससे नीचे एंटर आईडी और BUSD वॉलेट, और इसका ही कलर का पेज खुलेगा BUSD मेन पेज,
कनेक्ट वॉलेट टू रजिस्टर्ड और नीचे और नीचे एंटर आईडी और बीएसडी वॉलेट वहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा में डेमो, हाँ हाँ डेमो वाला वो जो आता है ना एग्जांपल, नहीं चेक डेमो आया है यहाँ पे खोलना है, एंटर आईडी और बीएसडी वॉलेट लिखा हुआ होगा, हाँ ये लिखा है एग्जांपल लिखा हुआ है, हाँ एग्जांपल एग्जांपल में आईडी नंबर डालिए नवी, तो मैम अपने आईडी नंबर बताइए एग्जांपल में क्या 9953 क्या डालना है, इनका आईडी नंबर डालना है बताइए मैम 99 एक मिनट 9973 7353 53 53 ठीक है, अभी ये प्रियु 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 जैसे सामने क्लिक कर दो, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगता, विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि आपको होलसेल के बारे में चर्चा कर एस आई डी ओके, इनकी ज्वाइनिंग डेट है यहीं पे जस्ट नजदीक में 9/1/2023 को इन्होंने ज्वाइनिंग किया, इनके बच्चों के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो एग्जाम पहले ही लगने लग जाती है, तो इस चक्कर में ना मीटिंग अटेंड कर पाए ना प्रॉपर तरीके से बिजनेस को दे पाए, पिछले 10 दिन से इन्होंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम लगने के बाद में इस बिजनेस को अब स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें ये प्रॉफिट लिए लिख रखा है 50 BUSD इन्होंने अब तक अर्निंग करी है, 1 BUSD बराबर 90 रुपए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हिसाब से चार व्यक्ति जोड़े इन्होंने, चार व्यक्ति जोड़े पार्टनर में, और टीम कितने की है, टीम चार की, चार की इन्होंने चार ही लोगों को जोड़ा है, बट चार लोगों ने अभी ग्रोथ नहीं की है और ये भी रिसेंटली इन्होंने जल्दी ज्वाइन करवाया है। ठीक है, ये तो हुई इनकी आईडी, अब यहाँ से बैक करिए और मेरी आईडी खोलिए, एक पॉइंट ही बैक करना है और वही एंटर आईडी में मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार लिया था कि नहीं, तो मैम ओके 50 BUSD याद रह जाएगा, हाँ याद है याद है। ओके, मेरा आईडी नंबर है 9292 95 95 58 58 ओके 58 ठीक है, प्रयोग कर दीजिए। पंकज शर्मा ये मेरा नाम है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, मेरा जॉइनिंग डेट है 17/12/2004 ठीक है, 30 आपने जोड़े हैं, 30 मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है और उन 30 लोगों ने मिलकर, और टीम कितनी बनाई 383 की, 383 लोगों की मेरी टीम हो गई है राइट, और मेरी ज्वाइनिंग डेट है मेरे नाम के जस्ट नीचे, ज्वाइनिंग डेट तो आ रही है ना 17 दिसंबर 2022, मैंने आपसे कहा था 3.5 महीने 4 महीने के करीब 17 को जाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी नए प्रोफेशन में उतरता है तो सीखने में लग जाता है 1-1.5 महीना तो, भाई आखिर है क्या वो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, नहीं मैंने ये नोट कर लिया इसका, जो नहीं नोट तो कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आ जाएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3504 है ना, हाँ ये लिखा है, ये तो है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है 15 दिन में आपकी जिम्मेदारियां इतनी है कि उनमें कहीं ना कहीं आप इतने बिजी रहोगे कि संख्या अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आज के लिए याद रहेगा, होती मेरी डायरी है ना रूटीन अच्छा नोट करता हूं। चलो हाँ। तो वहाँ पे एक चीज और लिखेगा, टीम डायरेक्ट वाली और टीम पार्टनर वाली भी लिख लीजिएगा साथ में, 30 और 383 हाँ ये भी संख्या लिख लीजिए, टीम और पार्टनर ठीक है। अब मैं एडवांस में जो होने वाली घटना जो मेरे साथ में पिछले कुछ दिनों से हो रही है वो एडवांस में बता रहा हूँ, यहाँ 3500 जो बीएसडी दिख रहे हैं वो जब आप 2 अप्रैल तक लौटोगे ना तो ये 3500 बदल जाएंगे लगभग करीबन 6000 में, कितने में 6000 में लगभग $2500 का मतलब हो गया, ना ना करते करते भी 2 लाख रुपए की इनकम आप जब लौटोगे ना तब तक कर चुका हूँ मैं इन 16 दिनों में, 2 लाख बोला है मैंने, इसलिए एडवांस बता रहा हूँ ताकि कथनी और करनी में कितना फर्क आएगा ये आपको आने के बाद पता चलेगा राइट। बिल्कुल, दूसरी चीज यहाँ पे जो ये टीम साइज आपको दिख रही है वो 500 को क्रॉस मिलेगी, क्यों, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, अब ये पूरा टीम नेटवर्क काम करेगा राइट सर, जैसे लोगों को समूहों को इकट्ठा करना होता है तो आपका एक अनाउंसमेंट आपके मेन कोर मीटिंग के लोगों को आप सूचित कर देते हो कि मैं वहां आ रहा हूं, तो लोग अपने आप इकट्ठे होते हैं, फिर समूह तो जनता तो अपने आप पब्लिक आती है राइट, तो ये सब कुछ नेटवर्क का पावर है।
अच्छा सर, एक आईडी लास्ट आईडी और खोल दीजिए, जिनका मैंने कस के हाथ पकड़ रखा है और जिंदगी में कामयाब होने की एक चाहत बनाई है उन्हीं को देखकर। आईडी नंबर है 1297, एक बार बैक करिए और 1297 नंबर आईडी लगा दीजिए। 1200 ओनली 1297 ओनली 1297 ठीक है। 320 टीम ग्लोबल 1/6/2021 की ज्वाइनिंग है, 22 महीने कंप्लीट हो गए। नाम है यादवेंद्र सिंह, गांव है लखनऊ के पास में पड़ता है कोई गांव, वहां के ये रहने वाले हैं। 22 महीने की इनकम ये 3,20,000 है, 19,000 USD, जिसको इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,88,00,000 रुपए की अर्निंग केवल मात्र सिर्फ 22 महीने की। ठीक है, राइट सर? ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कम से कम आपको इन 15 दिनों में लगभग इनकी आईडी पर आपको इनकम दिखने वाली है 20,00,000। 20 दिनों की इनकम 20,00,000 दिखने वाली है, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि टीम और पार्टनर जबरदस्त है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सच में। आप फोर्सेस करें चाहे नहीं करें, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व से बात करने का मौका मिला। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक सकारात्मक ऊर्जा दे और हमारे समूह